हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सबका रेसिपीज बाई संध्या में। आज हम बनाने जा रहे हैं डोनट। बिल्कुल मार्केट की तरह फूले फूले और सॉफ्ट डोनट बनाएंगे। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी प्रेस कर दे ताकि मेरी आने वाली नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को पूरा देखे, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले। तो स्टार्ट करते हम आज की अपनी रेसिपी। यहाँ पर मैंने 1.5 कप मैदा लिया है। मैदे में 2 टीस्पून ड्राई एक्टिव ईस्ट डाल लेंगे, 3 बड़े चम्मच शुगर पाउडर, 1/4 कप मिल्क पाउडर। मिक्स करेंगे सारी चीज़ों को पहले ड्राई में ही। यहाँ पे मैंने 1/2 कप गुनगुना दूध लिया है। थोड़ा थोड़ा ऐड करते हुए मैदा गूंथेंगे बिल्कुल सॉफ्ट। बाकी का दूध भी ऐड कर लेंगे। मिक्स करेंगे सारी चीज़ों को अच्छे से। थोड़ी देर आटा को ऐसे मिक्स करेंगे। दो बड़े चम्मच सॉफ्ट बटर ऐड कर लेंगे। मिक्स करेंगे मैदे में अच्छे से। मैदा को करीब हमें 7 से 8 मिनट अच्छे से मिक्स करते हुए चिकना करना है। आटे को मैंने बिल्कुल चिकना होने तक गूंथ लिया है। यहाँ पे एक बाउल ले लिया है, बाउल में थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है। चारों तरफ स्प्रेड कर लेंगे ऑयल को। आटा को टक कर लेंगे। आटा को बाउल में रख लेंगे, क्लिंग रैप से रैप कर देंगे। आटे को किसी गर्म जगह पे 1/2 आवर के लिए रख देंगे। डोनट के लिए आटा हमारा तैयार हो चुका है, रैप हटा देंगे। एक बार फिर से नीट कर लेंगे आटा को। आटा को टक कर लेंगे। यहाँ पे मैंने बोर्ड ले लिया है, थोड़ा सा सूखा मैदा स्प्रिंकल कर लेंगे बोर्ड पे। आटा रखेंगे, 1/2 इंच मोटा रोटी बेल लेंगे। आटा हमारा इतना सॉफ्ट है कि आप चाहे तो हाथों से भी फैला सकते हैं। वैसे बेलन की ज़रूरत तो होगी ही रोटी बेलने के लिए। थोड़ा सा मैदा स्प्रिंकल कर लेंगे। हाफ इंच इतना मोटा रोटी बेल कर तैयार कर लिया है। डोनट कट करने के लिए मैंने यहाँ पे ग्लास लिया है। बीच में कट लगाने के लिए एक ढक्कन लिया है। यहाँ पे सूखा मैदा लिया है, ग्लास के किनारों को डिप कर लेंगे, कट लगाएंगे। ग्लास के किनारों पर सूखा मैदा लगाने से आटा चिपकता नहीं है, ऐसे ही कट लगा लेंगे। एक्स्ट्रा आटा हटा देंगे, छोटा वाला ढक्कन ले लेंगे, इसको भी सूखे मैदे में डिप कर लेंगे, बीच में कट लगा लेंगे। सारे डोनट में बीच में भी कट लगा लिया है, इसे निकाल लेंगे। यहाँ पे मैंने एक बड़ा सा ट्रे ले लिया है, ट्रे में फॉइल पेपर सेट कर लिया है। आप फॉइल पेपर की जगह पे बटर पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। सारे डोनट को ट्रे में लगा लेंगे। जो साइडों से आटा निकला है फिर से इसको टक करके 1/2 इंच मोटा रोटी बेल लेंगे और पहले की तरह डोनट तैयार कर लेंगे। तैयार डोनट को कॉटन के कपड़े से ढक के एक साइड में रख लेंगे। सारे डोनट को शेप में कट कर लिया है, कॉटन के कपड़े से ढककर 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। गैस ऑन करेंगे, कढ़ाई रखेंगे गरम होने के लिए। कढ़ाई गरम हो चुका है, ऑयल डाल लेंगे। ऑयल को हमें मीडियम गरम करना है। ऑयल मीडियम गरम हो चुका है, एक एक करके डोनट को ऑयल में डाल लेंगे। एक बार में जितना आसानी से फ्राई हो पाएगा उतना ही डालेंगे। डोनट एक साइड से ब्राउन होने लग गया है, एक एक करके पलट लेंगे।
डोनट को थोड़ी थोड़ी देर पे उलट पलट करते हुए ब्राउन होने तक फ्राई करना है हमें दोनों तरफ से। डोनट दोनों तरफ से अच्छे से ब्राउन हो चुका है, ऑयल से बाहर कर लेंगे। ऑयल ज़्यादा गर्म हो चुका है तो गैस को मीडियम पे कर लेंगे। डोनट को एक प्लेट में रख लेंगे, फिर से ऑयल में डोनट रख लेंगे। फिर से पहले की तरह थोड़ी थोड़ी देर पे उलट पलट करते हुए दोनों साइड से ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे डोनट को। सारे डोनट को मैंने फ्राई कर लिया है, एक साइड में रख लेंगे। अब बारी है डोनट को सजाने की। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप चाहो तो डेकोरेट करो, नहीं तो ऐसे ही खा सकते हैं। गैस ऑन करेंगे। एक पतीले में मैंने एक गिलास पानी लिया है, स्टीम आने देंगे। पानी में स्टीम आने लग गया है। मैंने यहाँ पे एक कप व्हाइट चॉकलेट लिया है, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है, पतीले के ऊपर रखेंगे। डबल बॉयलर करना है हमें चॉकलेट को, लगातार चलाते हुए मेल्ट करेंगे चॉकलेट को। डबल बॉयलर करते हुए हमें ध्यान रखना है, हमें ऐसे बर्तन लेना है कि पेंदी पानी से टच ना हो पाए। चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो गया है, पतीले से उतार के रख लेंगे नीचे। इस वाले बाउल में एक कप डार्क चॉकलेट लिया है, इसको भी छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है, पतीले के ऊपर रखेंगे। इसको भी लगातार चलाते हुए मेल्ट करेंगे। हमारा डार्क चॉकलेट भी अच्छे से मेल्ट हो चुका है, गैस को ऑफ कर लेंगे। यहाँ पे एक बाउल ले लिया है, थोड़ा सा व्हाइट चॉकलेट बाउल में डाल लेंगे, कुछ बूंदे पिंक कलर की डाल लेंगे चॉकलेट में, मिक्स कर लेंगे। एक एक डोनट लेंगे, डिप करेंगे चॉकलेट में। एक ट्रे ले लिया है, अच्छे से डिप करेंगे, पहले ट्रे में रखते जाएंगे। सेम तरीके से पिंक वाले चॉकलेट में डिप करेंगे, पिंक वाले में भी डिप कर लिया है, ट्रे में लगा लेंगे। डार्क चॉकलेट में डिप करेंगे, ट्रे में लगा लेंगे, डिप करेंगे, ट्रे में लगा लेंगे। बस ऐसे ही करते हुए डार्क चॉकलेट कलर वाले और वाइट चॉकलेट में डिप करके सारे डोनट को ट्रे में लगा लेंगे। सारे डोनट को मैंने चॉकलेट में डिप कर लिया है, अब डोनट को डेकोरेट कर ले। ये ऑप्शनल है, आपको पसंद है तो डेकोरेट करें, नहीं तो कोई बात नहीं। यहाँ पे मैंने थोड़े से चॉकलेट चिप्स लिए हैं, वाइट वाले डोनट को सजा लेंगे। यहाँ पे मल्टी कलर का स्प्रिंग कर लिया है, सजा लेंगे डोनट को। यहाँ पे मैंने कुछ सिल्वर बॉल्स लिए हैं, सजा लेंगे डोनट को। बस ऐसे ही करते हुए सजा लेंगे सारे डोनट को। आप सिर्फ चॉकलेट से भी डेकोरेट कर सकते हैं, व्हाइट वाले चॉकलेट से ब्राउन पे, ऐसे करते हुए। व्हाइट वाले पे डार्क चॉकलेट से सजा लेंगे। बस ऐसे ही अपने पसंद के अनुसार सारे डोनट को डेकोरेट कर लेंगे। सारे डोनट को मैंने अपने पसंद के अनुसार डेकोरेट कर लिया है, बहुत ही सुंदर लग रहा है देखने में। आप भी इस तरीके से एक बार ज़रूर ट्राई करें डोनट। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।